जरा सोचिए, एक पूरी सभ्यता जो समय के साथ खो गई अमेज़न के घने जंगलों में छिपी हुई है। अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक मिस्ट्री है जिसने कई एक्सप्लोरर्स को अपनी ओर खींचा है, क्या लॉस्ट सिटी ऑफ जेड आज भी किसी कोने में छिपा हो सकता है, या ये एक ऐसा मिथ है जिसने सबसे एडवेंचरस एक्सप्लोरर्स को भी धोखा दिया है? लॉस्ट सिटी ऑफ जेड 20वीं सदी का सबसे मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि यह एक एंशिएंट और एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो अमेज़न के जंगलों में पनपी। इस रहस्य ने सबसे ज्यादा ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट को अट्रैक्ट किया। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो मॉडर्न टाइम से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। अमेज़न रेनफॉरेस्ट को अर्थ के लंग्स कहा जाता है, लेकिन यह जगह कई मिस्ट्रीज को भी छुपाती है। सदियों से यहाँ के आदिवासी लोग ह्यूज सिटीज और कल्चर्ड सिविलाइजेशंस की कहानियां सुनाते आए हैं, लेकिन जब यूरोपियन एक्सप्लोरर यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इन कहानियों को बस कल्पना समझा। क्यों? क्योंकि अमेज़न की इमेंसिटी यानी विशालता और उसकी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन दावों को इनक्रेडिबल बनाती थी। लेकिन पर्सी फॉसेट ऐसे नहीं थे, उनके लिए यह स्टोरीज रियलिटी थी। उन्होंने जेड नाम दिया उस खोए हुए शहर को जिसे वह खोजने का संकल्प लेकर निकले थे। हालांकि घने जंगल, खतरनाक जानवर और बीमारियों ने उनकी खोज को लगभग असंभव बना दिया, फिर भी फॉसेट नहीं रुके। उनके लिए एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण था, क्या जेड वाकई मौजूद है? फॉसेट का जुनून तब शुरू हुआ जब उन्होंने 7753 का एक दस्तावेज पढ़ा जिसे मैन्यूस्क्रिप्ट 512 कहा जाता है। इसमें अमेज़न के गहरे जंगलों में प्राचीन खंडहरों का जिक्र था, ऐसे खंडहर जो ग्रीक या रोमन आर्किटेक्चर जैसे दिखते थे। फॉसेट के लिए यह सबसे बड़ा सबूत था। 1925 में फॉसेट, उनके बेटे जैक और उनके साथी रैले रिमेल ने अपनी सबसे एम्बिशियस जर्नी शुरू की। सीमित संसाधनों और बिना आधुनिक उपकरणों के वे अमेज़न के अज्ञात हिस्सों में घुस गए। उनकी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि वह बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था। फॉसेट और उनकी टीम गायब हो गई। फॉसेट का मिस्टीरियस एंड इस कहानी का एंड नहीं था। दशकों तक लोग यह बहस करते रहे कि जेड रियली एग्जिस्टेंस करता था या यह फॉसेट की इमेजिनेशन थी, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरीज ने इन दावों को नया जीवन दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने विशाल जियोग्लिफ्स की खोज की है, ऐसे अंडरग्राउंड शेप जो ऊंचाई से देखे जा सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज की अपीयरेंस का संकेत देते हैं। टेरा प्रेटा यानी मैन मेड फर्टाइल सॉइल, ये दिखाती है कि यहाँ बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होती थी। और सबसे आश्चर्यजनक, अमेज़न में जुड़े हुए बड़े शहरों के प्रमाण मिले हैं जो प्राचीन सभ्यता की विशालता को दर्शाते हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की कहानी ने दशकों तक लोगों को इंस्पायर्ड किया। इस पर बुक्स लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं और यहाँ तक कि एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। लेकिन इस कहानी के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है, क्या हमने ऐसी सिविलाइजेशन को नज़रअंदाज किया है जो वास्तव में हमारी समझ से परे थी? अमेज़न केवल एक सिटी का घर नहीं हो सकता बल्कि ऐसी कई सिविलाइजेशन का सेंटर हो सकता है जो जंगल के साथ संतुलन में रहती थी। ये खोजें हमारी पुराने असम्पशंस को चुनौती देती हैं और ये साबित करती हैं कि अमेज़न केवल एक जंगली जंगल नहीं बल्कि इनोवेशन का सेंटर था। लॉस्ट सिटी ऑफ जेड एक ऐसी मिस्ट्री है जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी और खोज की बाउंड्रीज को डिफाइंड करता है। क्या जेड वास्तव में एक शहर था या यह मानव की असीमित इमेजिनेशन का परिणाम है? शायद इस सवाल का जवाब फ्यूचर में होने वाली खोजों में छुपा है। आपका क्या मानना है, क्या जेड एक वास्तविक जगह थी या केवल एक इमेजिनेशन? नीचे कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल पर इसे और वीडियोस जरूर देखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी अनजाने रहस्यों से रूबरू करवा सकें।